So presenting you guys. Hey sweethearts, welcome to Neo Vlog. तो आज मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सुकून होगा। तो जहाँ मैं जा रहा हूँ वो जगह बैरकपुर के आसपास ही है। आप लोगों को तो पता ही होगा मैं कोलकाता में हूँ, तो आज जा रहा हूँ बैरकपुर, उस जगह को एक्सप्लोर करने। बैरकपुर के आसपास ही है, गूगल मैप पे दिखा रहा है, लेकिन कैसे जाना होगा मेरे को नहीं पता। यहाँ से जाना होगा, ट्रेन से जाना होगा, बस से जाना होगा, या कोई गाड़ी से और गाड़ी से जाना होगा, मेरे को नहीं पता। तो वही आज एक्सप्लोर करूँगा कैसे जाते हैं वहाँ पे, और उस जगह को भी एक्सप्लोर करूँगा। तो आप लोग भी आज मेरे कैमरा के साथ वो जगह एक्सप्लोर करो। तो चलो चलते हैं उस जगह। फाइनली पहुंच चुके हैं बैरकपुर। तो अभी चलते हैं उस सुकून वाली जगह पे और जीते हैं जिंदगी के कुछ सुकून के लम्हे। और फिर वहाँ से पराशाह की बस पकड़ के मैं चला आया पराशाह, जो कि एक बहुत ही बड़ा गलत डिसीजन था, क्योंकि मुझे उतरना था इस बैंक मोड़ के सामने जो था पराशाह और बैरकपुर के रास्ते के बीच में। एक्चुअली मैंने एक यूट्यूब वीडियो में देखा था कि पराशाह के इस जगह पे आके फिर आप यहाँ से ऑटो पकड़ के फिर आप जा सकते हो बैंक मोड़, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये जगह बैरकपुर और पराशाह के बीच में था। और फिर वहाँ से फिर से ऑटो पकड़ के मैं चलाया बैंक मोड़। तो आप लोग अभी मैप पे देख सकते हो बुर्तिरबिल बैरकपुर और पराशाह के बीच में है। और अगर आ लोग मेरी तरह बस पकड़ के बैरकपुर से आ रहे हो तो फिर आप लोगों को बाराशाह जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग बस बीच में ही नीलगंज मोड़ बस स्टॉप पे उतर जाना। और यहाँ से टुक टुक पकड़ के आप लोग सीधा पहुंच जाओगे बुर्तिरबिल। लेकिन वेट, बुर्तिरबिल पहुंचने से पहले आप लोग जरा एक सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, एक सब्सक्राइब तो बनता है। फाइनली 2.5 घंटे ट्रेवल करने के बाद, एक तो गलत रास्ते पकड़ लेने के बाद, मैं अभी पहुंचने जा रहा हूँ उस सुकून वाले जगह पे। सो प्रेजेंटिंग यू गाइस बुर्तिरबिल। सुकून ही सुकून, यहाँ पे सिर्फ सुकून मिलता है। अगर आपको भी आना है तो चले आओ बुर्तिरबिल। काली बुजुर्ग पर एक धान लगाए ना, पुरुष उगे जाए। यहाँ पे नावले भैया ये बता रहे थे कि इस बिल का पानी दिवाली के बाद धीरे धीरे सूखने लगते हैं, और सूखे के दौरान यहाँ के लोग यहाँ पे खेती वगैरह भी करते हैं, और फिर बारिश के मौसम पे फिर से यहाँ पे पानी जमने लगता है। तो जो कोई भी आप लोग इस बुर्तिरबिल पे आने का प्लान कर रहे हो तो आप लोग अगस्त से लेकर नवंबर के बीच तक आ जाना, क्योंकि उस दौरान ही आप लोगों को सारा पानी देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ खूबसूरत नज़ारे भी। तुझे ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो,
गाना लाइन भूल गया, इसके बाद प्यार ही प्यार मिले। हाँ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुल कर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ हम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार फले। एक ऐसे गगन के तले। तो यही था वो सुकून वाला जगह, वो तिरपिल। सो दैट्स इट गाइज, आज का ब्लॉग यही तक ही है। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, जिसके साथ भी आप यहाँ बुर तिरपिल आना चाहते हो एक सुकून वाले जगह पर, तो सपोर्ट कर देना गाइज। बहुत मेहनत लग रहा है, बहुत इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देना आप लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए ब्लॉग के साथ। टाटा।